फिल्म रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट उन सभी जुनूनी लोगों की कहानी है जो अपने हुनर को अपना हौसला बनाते हैं, घर परिवार सब किनारे धकेलकर अपना सब कुछ काम में लगा देते हैं। ये फिल्म उन लोगों की भी कहानी है जिन्हें ऊपर जाता देखकर अपने आसपास के लोग ही पीठ में छुरा घोंप देते हैं। ये कामयाबी की तरफ बढ़ते एक जुनूनी इंसान की ऐसी कहानी है जिन्हें गलत आरोपों में फंसाकर सलाखों के पीछे और देश को बरसों पीछे करती है। ये फिल्म आपको बताती है कि अगर नम्बी नारायण जी को साजिश करके जेल में ना डाला गया होता और उनके अंतरिक्ष विज्ञान पर किए गए काम को ना अटकाया गया होता तो आज इसरो विश्व की नंबर वन स्पेस एजेंसी होती। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट। वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कॉन्टेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है नवंबर 1984 में, जहां त्रिवंतपुरम में नम्बी नारायण की फैमिली को दिखाया जाता है। नम्बी की पूरी फैमिली एक खुशहाल फैमिली है जो कि किसी की शादी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहां नम्बी अपने घर से निकलकर मंदिर जाते हैं और पुजारी जी से पूजा करवाते हैं, लेकिन अचानक ही अखबार में छपी खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। मंदिर के अंदर का खुद पुजारी ही नम्बी के सामने आकर दिए को बुझा देता है और मंदिर गए नम्बी को केरल पुलिस मंदिर के बाहर गिरफ्तार कर लेती है। यहां तक कि उनके परिवार के साथ तक सभी लोग बुरा बर्ताव करने लगते हैं, जबकि वो इस बात से बिल्कुल जान थे। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक से उनके साथ ये हो क्या रहा है और न ही दर्शकों को पता चलता है। इसलिए कहानी पहुंच जाती है 2013 में, जहां 19 साल बाद मंगलयान की सफलता का जिक्र होता है। नम्बी बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान को अपना इंटरव्यू देने जाते हैं। वहां से उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है। कार्यक्रम की शुरुआत नम्बी के गुरु और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह विक्रम साराभाई से शुरू होती है, जहां हमें बताया जाता है कि मिशन मार्स में किस देश को कितने पैसे और कितनी मेहनत लगी। सबसे पहले यूएसए के बारे में बताया जाता है। यूएसए ने मिशन मार्स के लिए 671 मिलियन डॉलर खर्च किए और 19 अटेम्प्ट के बाद वो मार्स तक पहुंच पाया। इसी तरह रशिया ने 117 मिलियन डॉलर खर्च किए और 16 अटेम्प्ट के बाद वो मार्स तक पहुंच पाया। यूरोप ने 312 डॉलर खर्च किए और 4 अटेम्प्ट में पहुंचा। लेकिन अब बात आती है इंडिया की। इसरो ने 74 मिलियन डॉलर खर्च किए और सिर्फ एक अटेम्प्ट में ये उपलब्धि हासिल की, वो भी उस कीमत में जो कि एक हॉलीवुड साइंस फिक्शन के बजट से भी कम है। जिसके बाद हम देखते हैं शाहरुख खान को। दरअसल शाहरुख खान 2013 में नम्बी नारायण जी का एक इंटरव्यू लेने वाला है, जिसमें नम्बी जी अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। अपनी लाइफ की कहानी वो अपने बचपन से नहीं बल्कि विक्रम साराभाई जी से करते हैं। वो बताते हैं कि विक्रम साराभाई उनके गुरु थे, लेकिन गुरु से भी बढ़कर वो इनके पिता थे जिन्होंने कदम कदम पर उनका साथ दिया। आगे 1969 में एक लैब में नम्बी जी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उनके साथ और भी साइंटिस्ट थे जो कि उनके साथ काम कर रहे थे। नम्बी यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में बार बार फेल भी हो रहे थे, इसलिए वो विक्रम साराभाई से कहते हैं कि अभी ज्ञान की बहुत कमी है, इसलिए उन्हें विदेश जाकर सीखना ही होगा क्योंकि यहाँ पर रहकर ना तो वो सॉलिड ना ही लिक्विड और ना ही क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हैं, इसलिए उन्हें बाहर जाकर पढ़ना ही होगा। तो नम्बी एक कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं और अब क्योंकि नम्बी लिक्विड प्रोपल्शन में एक्सपर्ट थे इसलिए उनका एडमिशन आसानी से हो भी जाता है। नम्बी अमेरिका के प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर रिकॉर्ड समय में अपनी थीसिस पूरी करने वाले थे। तो नम्बी कॉलेज की क्लासेस ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, जहां पर एक प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहा होता है। यहां पर प्रोफेसर एक बुक में से उन स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है, लेकिन नम्बी यहां पर उस प्रोफेसर से कहते हैं कि अभी आपने जो कुछ भी बताया वो एकदम गलत है। तो प्रोफेसर नम्बी के ऊपर भड़कते हुए कहते हैं कि बुक में यही लिखा है इसलिए वो यही पढ़ाएंगे और अगर उसे ऐसा लगता है कि ये गलत है तो वो उस बुक के ओनर को मेल करके उन्हें इस गलती के बारे में बता सकता है। नम्बी समझ जाते हैं कि ये प्रोफेसर अपने काम का नहीं है, जिसके बाद वहीं के कुछ दोस्तों से नम्बी को पता चलता है कि जो थीसिस वो कंप्लीट करने के लिए आए हैं उस थीसिस को सिर्फ एक ही प्रोफेसर कंप्लीट करवा सकता है, जिसका नाम क्रोको है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कॉलेज नहीं आते हैं क्योंकि उनकी बीवी की अक्सर तबीयत खराब रहती है, इसलिए वो घर पर ही रहना पसंद करते हैं ताकि वो अपनी बीवी का ख्याल रख सके। लेकिन नम्बी को किसी भी हालत में इन थीसिस को सीखना ही था, इसलिए अगले ही दिन प्रोफेसर क्रोको के पास नम्बी पहुंच जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ पर थीसिस सीखने के लिए आए हैं। लेकिन क्रोको साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो उन्हें थीसिस सिखा सके, इसलिए वो तो उन्हें नहीं सिखा सकते। अब क्योंकि प्रोफेसर अपनी बीवी का ठीक ढंग से ख्याल नहीं रख पा रहे थे क्योंकि उन्हें खाना बनाना ठीक से नहीं आ रहा था, इसलिए नम्बी उनसे कहते हैं कि वो उनका खाना बनाने और घर की साफ सफाई में उनका साथ देंगे, जिसके बदले में वो उन्हें थीसिस सिखा देंगे। इसलिए प्रोफेसर भी मान जाते हैं और नम्बी को अगले ही दिन से काम पर लगा देते हैं। यहाँ पर नम्बी उन सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता और उसके बदले में वो प्रोफेसर नम्बी को थीसिस सिखा देता। कुछ दिनों के बाद नासा को नम्बी के टैलेंट के बारे में पता चल जाता है और नासा नम्बी को एक बड़ा सा ऑफर देते हैं। ऑफर इतना बड़ा होता है कि अगर नम्बी की जगह पर कोई भी होता तो शायद हाँ कर देता। इसलिए ये बात सबसे पहले वो अपनी पत्नी मीना को बताते हैं और उनसे कहते हैं कि इंडिया में 5 साल काम करने के बाद उसे जो तनख्वाह मिलेगी यहाँ पर उसे 1 महीने में मिल जाएगी। इसके बावजूद वो नासा में काम करने से साफ इनकार कर देते हैं
और तुरंत ही इंडिया आकर अपने गुरु के साथ इसरो में काम करना शुरू कर देते हैं। नम्मी ने अमेरिका से अपनी थीसिस तो कंप्लीट कर ली थी, लेकिन अभी भी हम एक ही चीज से मार खा रहे थे और वो है पैसा। अभी भी उन्हें कई सारे देशों में जाकर रॉकेट साइंस की रिसर्च करनी थी, लेकिन अब वो नासा तो जा नहीं सकते थे और चाइना और रशिया जाने का तो सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए अब बचा है तो यूरोप। इसलिए नम्बी रोल्स रॉयस के सीईओ से 400 मिलियन डॉलर के प्लांट को मुफ्त में ले लेते हैं। अब क्योंकि नम्बी का नेचर एकदम साफ था, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाते हैं। ये प्लांट उन्होंने हमें इसलिए दे दिए थे क्योंकि उन्हें इनकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अमेरिका उनका साथ दे रहा था। नम्बी बहुत खुश थे और ये बात वो सबसे पहले अपने गुरु विक्रम साराभाई को बताना चाहते थे, लेकिन अचानक से उन्हें पता चलता है कि विक्रम साराभाई की आकस्मिक तरीके से मृत्यु हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद नम्बी जी को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उन्होंने गुरु के साथ साथ एक पिता भी खोया है। अब नम्बी जी के पास कुछ साधन थे जिनसे वो प्रयोग करना चाहते थे, और जब वो प्रयोग करते हैं तो फिर से वो बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। साराभाई के बाद अगले चेयरमैन सतीश धवन थे, और सतीश धवन यहाँ पर नम्बी को बहुत चिल्लाते हैं क्योंकि उनके प्रयोग बिल्कुल भी सफल नहीं हो रहे थे। नम्बी उनसे कहते हैं कि इस तरह से काम करके कोई भी सफल नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के इंजन बनाने के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए और वो तो उनके पास है नहीं। अगर उनके पास कुछ है तो वो दिमाग है, और इसी दिमाग का अब वो उपयोग करना चाहते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि फ्रांस वाइकिंग इंजन टेक्नोलॉजी वाला एक इंजन बनाना चाहते हैं, जिसमें उन्हें 52 भारतीय वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ेगी, और हम उसके लिए रेडी भी हैं। वो इसलिए क्योंकि हम उस वाइकिंग इंजन टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। फ्रांस जाकर वो ईमानदारी से काम करेंगे और वाइकिंग इंजन टेक्नोलॉजी को कदम कदम पर देखेंगे और सीखेंगे, और यही उनका वो महान प्लान होता है। फ्रांस जाने वाले वो 52 वैज्ञानिक उन सभी को फ्रेंच सिखाई जाती है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर फ्रेंच की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। उन्हें वहाँ पर जाकर फ्रेंच बोलना नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ सीखना है, कदम कदम पर अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं, ताकि वो वाइकिंग इंजन टेक्नोलॉजी को ठीक ढंग से सीख सके। कुछ दिन बाद नम्बी फ्रांस की एक वैज्ञानिक से कहते हैं कि उनका इंजन बहुत ही कमजोर है, क्योंकि वो इस प्रेशर को नहीं झेल पाएगा। लेकिन वो साइंटिस्ट ये मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कि उनका इंजन इतना प्रेशर ना झेल पाए, इसलिए वो साइंटिस्ट एक प्रयोग करते हैं जिसमें कि वो बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। और अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो नम्बी से मदद मांगना चाहते हैं, और नम्बी भी मान जाते हैं। दरअसल नम्बी को ये प्रॉब्लम पहले से ही मालूम थी कि ये प्रयोग उनका फेल होने वाला है, इसलिए उसने पहले से ही सारी सेटिंग करके रखी थी। अब उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो लोग इंडिया से उन्नी नाम के एक साइंटिस्ट को बुलाते हैं, जो कि एक होनहार वैज्ञानिक था, और उन्नी ही था जो कि उस प्रॉब्लम को ठीक करने वाला था। इसलिए 15 दिन के बाद जब उन्नी को बुलाया जाता तो वो अपने काम में लग जाता। एक तरफ तो उन्नी अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ नम्बी के पास एक कॉल आता है जिसमें वो उन्हें बताते हैं कि उन्नी के एक लौते बेटे की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उन्नी के परिवार वाले ये चाहते हैं कि उन्नी तुरंत ही भारत आ जाए और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करे। तब नम्बी उनसे कहते हैं कि वो उनके दर्द को समझ सकता है, लेकिन उन्नी वहां नहीं पहुंच सकता। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब जो बचा है उसे कंप्लीट करना है। अगर उन्नी वहां पर पहुंचा तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर उन्नी यहां पर रहा तो वो हमारे देश को कई साल आगे पहुंचा सकता है, और हमारा देश एक उपलब्धि हासिल कर सकता है। कुछ दिन बाद उन्नी उस प्रॉब्लम को ठीक कर देता है, जिसके बाद उस प्रोग्राम पर जब टेस्ट किए जाते हैं तो वो पूरी तरह से सफल होते हैं। सभी लोग खुशी मना रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्नी को किसी दोस्त के द्वारा पता चल जाता है कि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद उन्नी पूरी तरह से टूट जाता है। उन्नी को अपने बेटे के गुजर जाने पर बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख ये था कि नम्बी ने ये सारी बातें उससे छुपाई। इसलिए उन्नी यहाँ पर नम्बी को एक थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा बेरहम इंसान है, वो उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता और ना ही उसकी शक्ल देखना चाहता है। इस बात से नम्बी को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन नम्बी मजबूर थे। कुछ दिन बाद सारे साइंटिस्ट इंडिया आ जाते हैं, और इसरो आने के बाद सारे साइंटिस्ट उस इंजन को बनाने में लग जाते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद साइंटिस्ट इंजन को बना लेते हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि अभी उनके पास स्टैंड नहीं था, क्योंकि इंजन से ज्यादा तो स्टैंड का खर्चा था, क्योंकि स्टैंड 100 करोड़ के पार था। इसलिए हमें हमारे इंजन की टेस्टिंग को फ्रांस में करनी पड़ती है। फ्रांस में जाने के बाद सभी वैज्ञानिक यही सोचते हैं कि ये इंजन 40 से 45 सेकंड से ज्यादा नहीं चल पाएगा, लेकिन जब टेस्टिंग शुरू होती है तो ये रिकॉर्ड बन जाता है, क्योंकि वो इंजन 40-45 सेकंड नहीं बल्कि 185 सेकंड तक चलता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा इंजन आज तक नहीं बना था। और नम्बी इस इंजन को विकास नाम देते हैं, लेकिन अभी भी हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि अभी हमें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी। कुछ दिन बाद पता चलता है कि रशिया की इकोनॉमी पूरी तरह से डूब चुकी है और वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हालात काफी खराब हो चुके थे, क्योंकि अमेरिका भी उनका साथ नहीं दे रहा था। इसलिए इसी बात का फायदा उठाकर हम रशिया पहुंचते हैं और उनसे क्रायोजेनिक इंजन की डील करते हैं।
वो हमें 4 क्रायोजेनिक इंजन कम प्राइस में देने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो खुद इन क्रायोजेनिक इंजन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका उन पर नजर गड़ाए हुआ था। तब नम्मी एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि हम इंजनों को सबसे पहले पाकिस्तान लेकर जाएंगे, जिसके बाद इंडिया, ताकि अमेरिका को हम पर शक न हो। तब सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं, जिसके बाद इंजनों की पैकिंग चल रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर एक रशियन साइंटिस्ट आती है और वो उनसे कहती है कि हमारे काम के बारे में अमेरिका को पता चल चुका है और वो किसी भी हालत में हम तक जरूर पहुंचेंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन अभी तक इंजन के 3 पार्ट्स ही पैक हुए थे, एक इंजन बाकी था। यहाँ पर वह साइंटिस्ट कहती है कि हम एक इंजन को किसी भी हालत में आप तक पहुँचाने का वादा करते हैं, और इतना कहकर वो सारे इंजन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर अमेरिका के नाक के नीचे हम उन सारे इंजन को लेकर आ जाते हैं, सिवाय एक को छोड़कर। और फिर कुछ दिनों के बाद जब सभी इंडिया पहुँच जाते हैं और जैसे ही नम्मी नारन इंडिया आते हैं तो उनके ऊपर रॉकेट साइंस तकनीक बेचने के झूठे आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि हमने फिल्म की शुरुआत में देख चुके हैं। इस बात का पब्लिक पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो उन्हें गद्दार कहने लगते हैं, यहाँ तक कि उनके घर वालों को तक परेशान करने लगते हैं। दरअसल नम्मी के ऊपर ये आरोप थे कि उन्होंने अपनी सारी तकनीकों को पाकिस्तान को बेच दिया है और किसी मारियम नाम की लड़की के साथ गलत संबंध बनाकर उन्होंने पाकिस्तान से डील बनाई। ये सारी बातें सच है या फिर झूठ, ये सारी बातें हमें आगे पता चल ही जाएंगी। कुछ ऑफिसर नम्मी नारायण को बुरी तरह से मारते हैं और उनसे उगलवाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये सारे गुनाह किए हैं, लेकिन नम्बी इन सारी बातों को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। दरअसल वो ऑफिसर चाहते थे कि किसी तरह से नम्बी उनकी बोली गई बातों को एक बार रिपीट करते, जो कि रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन नम्बी उन बातों को रिपीट करने से साफ मना कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अपने देश के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते। कुछ दिनों के बाद एक CBI ऑफिसर नम्बी के पास आते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। नम्बी उन्हें बताते हैं कि वो किसी भी मारियम नाम की लड़की को नहीं जानते हैं और ना ही कभी उसने उनसे मुलाकात की है। नम्बी के ऊपर एक और आरोप है कि उसने इसरो की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को बेच दिया। तो नम्बी उस CBI ऑफिसर को बताते हैं कि जो टेक्नोलॉजी इसरो के ही पास नहीं है, वो टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान को कैसे बेच सकता है। और जिस डिजाइन की वो बात कर रहे हैं कि जो उसने बेचे, वो डिजाइन किसी भी बुक स्टोर पर 200 रुपए में मिल सकती है। उस डिजाइन से कोई भी रॉकेट इंजन नहीं बना सकता। वो कहता है कि उसके ऊपर आरोप है कि 24 तारीख को वो मद्रास में किसी होटल में किसी 2 लड़कियों के साथ था, लेकिन वो उन्हें बताता है कि 23 जनवरी को वो अपने एक फ्रेंड के फ्यूनरल पर था और 25 तारीख को वो अपनी ग्रैंड डॉटर के बर्थडे पर था। और वहीं आप बात कर रहे हैं 24 तारीख की, तो 24 तारीख को मद्रास में नहीं बल्कि त्रिवेंद्रम में था, इसरो में। थोड़े दिन बाद नम्बी को बेल मिल जाती है, लेकिन केस अभी भी जारी था। और यहाँ पर जेल में सबसे पहले मुलाकात करने के लिए जो आया था वो आदमी था उन्नी। उन्नी नम्बी से कहता है कि वो बेरहम हो सकता है लेकिन गद्दार नहीं, ये बात वो कभी नहीं मान सकता। अब नम्बी अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ मीना का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वो इस तरह से अपने पति को और अपने परिवार को नहीं देख सकती थी, इसलिए वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। लेकिन पब्लिक ने उन्हें गद्दार मान लिया था और उनके ऊपर गद्दारी का टैग भी लग चुका था, इसलिए हर कभी उनके घर पर पत्थर चलाए जाते और उनके पुतले जलाए जाते। हर जगह पर उनका विरोध किया जाता, जिससे मीना की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। और एक दिन तो हद ही हो जाती है, जब नम्बी और मीना हॉस्पिटल से वापस लौट रहे थे तो वो एक ऑटो को हाथ देते हैं। ऑटो वाला रुक भी जाता है, उन्हें वो बिठाल भी लेता है, लेकिन अचानक से वो ऑटो वाला उन दोनों को ऑटो से नीचे फेंक देता है। ये पल उनके लिए सबसे दर्दनाक पल था और देखने वाले के लिए भी। कुछ दिनों के बाद नम्बी फिर से इसरो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं थे क्योंकि कई सारे साइंटिस्ट इसरो छोड़ चुके थे। यहाँ पर अरुण राम सबसे कहता है कि वो अपने रॉकेट को मार्स तक भेज सकते हैं। वो उन सबको बताता है कि वो क्रायोजेनिक इंजन का यूज ही नहीं करेंगे। उन्होंने जो विकास इंजन बनाया है वो 185 सेकंड तक चल सकता है। अगर वो और भी ज्यादा बढ़ जाए तो उन्हें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह सालों की लगन और सालों की मेहनत के बाद 19 साल के बाद मंगलयान पर पहुंचने का हमारा ये मिशन पूरा हुआ और अरुण राम को इस मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था। कुछ दिन बाद एक शादी के समारोह में नम्बी की पूरी फैमिली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो लोग होते हैं वो ठीक ढंग से उन्हें देख तो क्या बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन नम्बी को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो इस शादी को इंजॉय करने का सोचते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद नम्बी के पास एक कॉल आता है और वो उन्हें बताता है कि वो इस केस को जीत चुके हैं। और जब ये बात नम्बी और मीना सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि सालों बाद उन्हें इंसाफ मिला था और अब उनके ऊपर से गद्दारी वाला टैग भी मिट चुका था। प्रेजेंट में हमें बताया जाता कि नम्बी नारायण इस केस को जीत चुके थे और उनकी भरपाई के लिए 1 करोड़ रुपए उन्हें दिए जाने वाले थे, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ 10 लाख रुपए ही मिले थे। शाहरुख खान उनसे कहता है
कि इस देश ने जाने अनजाने में आपके साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए पूरी देश की तरफ से वो आपसे माफी मांगना चाहता है। नम्मी नारायण जी शाहरुख खान से कहते हैं कि आप मुझसे माफी मत मांगिए, क्योंकि मैं आपको माफ नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैंने आपको माफ कर दिया तो ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि बहुत कुछ हुआ है। इसलिए मैं आपको माफ नहीं कर सकता। अगर मैं निर्दोष हूँ तो कोई ना कोई तो दोषी जरूर होगा, और वो कौन है? इन सारे सवालों का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश महान नहीं रह सकता जब तक उसे महान बनाने वाले लोगों की कदर ना हो। आखिर में नम्मी नारायण जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है और 2019 में उन्हें सारे पैसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अक्सर देशभक्ति या देश प्रेम की बात आते ही हमें अक्सर पुलिस वाले या देश की सरहद पर लड़ने वाले सैनिकों की कहानी ही पर्दे पर दिखाई जाती है, लेकिन इस फिल्म के साथ आपको ये भी एहसास होगा कि देश प्रेम दिखाने के लिए आपको सिर्फ सरहद पर रहने की जरूरत नहीं है, अपने काम को इतनी ईमानदारी से करते हुए अपने देश के लिए काम करने वाले व्यक्ति भी उतना ही बड़ा देशभक्त है। इसरो के इस स्पेशल वैज्ञानिक जिसे कलाम जी भी नहीं समझ पाते थे, उन्हें जिस बारबरता से पुलिस कस्टडी में मारा जाता, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको भीतर से झकझोर कर रख देंगे। इस फिल्म की कहानी लिखने से लेकर इसे बड़े पर्दे पर उतारने और पर्दे के सामने नम्बी नारायण के अभिनय को जिंदा करने तक सारी जिम्मेदारियां खुद आर माधवन ने अपने कंधे पर उठाई है। अभिनय के मामले में माधवन के जीवन की सबसे शानदार फिल्मों में रॉकेटरी का नाम जरूर गिना जाएगा। वैज्ञानिक नारायण की जवानी लेकर उनके बुढ़ापे तक उन्हें शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा गया है। सिर्फ माधवन ही नहीं, उनके साथ पर्दे पर नजर आ रहे सभी कलाकार किरदार बनकर नजर आए हैं। एक तरफ जहां आप माधवन को प्यार करेंगे, वहीं एक सीन में उनके काम के प्रति पागलपन पर आपको नफरत भी होगी। सिनेमा को यूं ही नहीं समाज का आईना कहा जाता है। कुछ फिल्में ऐसी आती है कि वो आपको अंदर से झकझोर कर रख देती है। ऐसी फिल्मों का कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में उसका प्रभाव रह ही जाता है। ये बात मगर फिल्म रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट को लेकर कही जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आर माधवन एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जो हमें रोककर सोचने को मजबूर कर देती है। रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट को देखना उन पलों को बार बार जीने जैसा है जिसका मेरे जीवन में लंबे समय से इंतजार था। एक ऐसा महान वैज्ञानिक जिसने रॉकेट साइंस की दुनिया में भारत को ऊंचा उठाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, इसके बदले में उन पर देश से गद्दारी करने का ठप्पा लगा दिया जाता है। आर माधवन ने इस कहानी को पर्दे पर जीवंत करने की कोशिश की है, जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये फिल्म थिएटर में जाकर देखें। अगर आप फिल्म देखने थिएटर नहीं जा सकते हैं तभी आप इस एक्सप्लेनेशन को देखें, वरना दिल से चाहता हूँ कि आप इस फिल्म को थिएटर में देखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।